आलम पाशा की नजर एक ही रहती है। अब जो मौलाना इमाम उनके तरीके से उन्हें देखते हैं, और सियासत के लोग उनके तरीके से उन्हें देखते हैं, कांग्रेस बीजेपी भाजपा उनके तरीके से उन्हें देखते हैं आलम पाशा को। अब ये बोलना चाहिए, मैं सीएम में सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन में अशोका बीडी जो मकबूल साहब मरूम है उनके पूरे के पूरे 1100 वोटर्स हैं, उन्हें आके वोट डालते हैं। उधर जो हुसैन शरीफ है फला है उन्हें ही बनेगा, क्या देखेंगे उसको? ये बोलने से आलम पाशा जालिम है कर्नाटक में। तो तकरीबन एक एक एसोसिएशन में सेंट्रल मुस्लिम यतीम खाना अमानत बैंक में 40-40 हजार करोड़ रुपयों की पूंजी है मुसलमानों की। किसका दुश्मन हूं मैं? कौन है वोट? पूरा 1100 वोट है। और ये पूरा का पूरा लोग पूछते हैं 3 साल से आप क्या किया। 3 साल से जितने हजार आदमी जितने लाख आदमी अप्रोच किया, कितने एप्लीकेशन रिजेक्ट किए, कितना मेंबरशिप दिया गया, छोटी चीज है क्या सीएम में? कितने खाली जो जाली वो पुलिस रोड में जो है उसको खुद हिंदुस्तान का जो बड़ा इदारा बना सकते हैं, कितने ऐसे इदारे हैं, मदरसे नदवाब जैसा बना सकते हैं, हॉस्टल बना सकते हैं, आईएएस यूपीएससी इतना ही पकड़ा है जैसा वो अपने शाहीन में पकड़ा। क्यों यूपीएस बनाता है? देश के पूरे आईएएस ऑफिसर्स मेरे ही, ऐसा नहीं है। गरीब को जो खाना डालते हैं, गरीब के बच्चों को जो उठा के आके इलम देते हैं, एसएसएलसी पास करते हैं, पीयूसी पास करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। तो सीएमए में ऐसा नहीं हो सकता क्या? तो तकरीबन आना अभी 4 तारीख को नया कमेटी बनेगा, तो नया कमेटी जब बनेगा तो वही सेठ, वही ताहा साहब, वही आबेद साहब, वही शरीफ साहब, वही फला, इन्हों ही आएंगे ना, ये लोगों को नहीं। आलम पाशा का खाली आलम पाशा जिंदा जो है ये तमाम चीज देख के ये बहुत बड़ी बात है। कहां पे अपना जब यतीम खाने में सीएमए में मिलिया में कहां आलमीन में कहां वोट की चिट्ठी दिया जा रहा है? वोट दे दिया के भाई पब्लिश कर दिया, नोटिस लगा दिए के भाई अपने फला सीएमए के एक हाल पुराने हाल में पुराने जिस जगह आदमी भी जा नहीं सकता वहां, क्यों डेक्कन हेराल्ड इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया और फलान टीवी जी टीवी में नहीं है क्या? पब्लिकेशन देना है नहीं चाहिए क्या? पैसा किसका होता है? कहां का पर पूरा कमाई है यहाँ की? ये पैसे में उठा के 20-50 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में डालना चाहिए था आपको। ये लोगों को मेंबरशिप और मेंबरशिप लो, जुरिस्डिक्शन के लोग मेंबरशिप लो, ये लोगों को बोलना, क्यों नहीं बोला? तो ये आके चोरी नहीं हो रही है, ये मुसलमान के खून से खेला नहीं जा रहा है, कब्रस्तान है, कब्रस्तान सीएमए का अपना फला मैसूर रोड का है, कितने हजार कितना कितने लोगों के रूहानी की तरफ है, वहां का तमाम मिलके इलेक्शन होता है। ऐसी इलेक्शन क्या जो चाहिए 1100 नहीं 400 आदमी वोट डालेगा या 500 आदमी, 500 में 200 250 400 वोट लेने वाला जीत देगा। इन्हें पूरी इतनी बड़ी लाख करोड़ की 1 लाख करोड़ की पूंजी बन सकती है सीएम में, ऐसा हो सकता है क्या? कोई एक लेबर एसोसिएशन है, कुली एसोसिएशन है रेलवे की पोर्टर, उनको पूछिए कि भाई इतने लाख करोड़ का पूंजी है मुसलमान का, इसमें 400 वोट पे आदमी वोट डाला है, ये गुनाह नहीं है क्या? ये कौम के ऊपर खून नहीं करा क्या? यहाँ पे बोलता हूँ मैं सियासत वाला क्या बोलता है, सियासत का नाम क्यों लेते? इलेक्शन हो रहा है, मेंबर बन जाइए, इलेक्शन में कंटेस्ट करिए, क्यों नहीं बोला गया? कौन से मस्जिद में बोला गया हिंदुस्तान के? यहां तक दिल्ली के मस्जिद में भी ऐलान करना चाहिए, बॉम्बे के मस्जिद में करना, मैसूर के मस्जिदों में करना, पेपरों में देना, कहां हुआ है? तो बोला तो आलम पाशा को बोलता है कि भाई ये कौम का दुश्मन है, ये गाली पीली बात करता है, ये हमारे लीडर को पकड़ता है, ये हमारे यजमान को बात करता है, यजमान काली पीली जो बोलता है इसके खिलाफ है आलम पाशा। आलम पाशा का जो यजमान अल्लाह है, सीरत नबी की है, खत्म, दूसरा पूरा फेक है। तो ये अंदाज पे ये जो चीज है इलेक्शन में अब कम से कम देखो अभी जाइए ऑनरेबल हाईकोर्ट को जा सकते हैं कि भाई मेंबरशिप लो, वहां पे खर्चा करेंगे 3 से 5 करोड़ रुपए वकालत को पैसा देंगे कमिटी को, 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा, देखिए ये केस जीतेंगे। इसका नाम इस्लाम, इस्लाम का काम करते हैं इन्हों और मुसलमान है। आलम पाशा जबान नहीं खोलना, बोलो भाई
बोलो उलमा इकराम, जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, अपना एमपी का है, एमएलए का इलेक्शन है, आप रो के अपना पूरे मसाजिद में ये करा दिया आपको आपके आंसू से, ये क्यों नहीं बोला गया? कितना लाख बच्चा पढ़ सकता है इसमें, और बोलता है एक एक आदमी इसमें काम करता है, ये हमें करता है, कोई करने का नहीं है। कितनी बड़ी जायदाद है, कोई जायदाद में क्या क्या कर सकते हैं, यानी पूरा फ्री कराओ, इलाज फ्री करो, हॉस्पिटल फ्री करो, इलम फ्री दियो, खाना फ्री डालो, और किराया 500 रुपए लो, बिल्डिंग का किराया 500 रुपए लियो, अपने अपने रिटेल मालों में 400-450 रुपए ले रहा है, तो ये प्राइम प्रॉपर्टी में 500 रुपए किराया लो। फिलहाल सीएमए का सेम यतीम खाने का लो, लोगों को बच्चों को पूरा फ्री दो, इज्जत से दो, और यहां तक अपना तमाम अच्छे अच्छे कारों में सफर कराइए, बच्चों को ड्रॉप करो, बोर्डिंग बनाइए, तो ये तमाम होना है तो 300 वोट बीडी वालों में। पूछते हैं बीडी वाले हैं, कौन बीडी वाले? कर्नाटक नहीं जानता क्या? बेंगलुरु नहीं जानता क्या? जब उठा के बोले तो आलम पाशा को आप पागल खाने में जमा रहे हैं, आलम पाशा के सर पे गोली रखा जा रहा है, हम बोलता है कहां है बोलो, किसी को शर्म तो आना चाहिए। ये लोग पूछने वालों को भी तो इस्लाम का डर होना चाहिए। ये पूछा छोड़ा, इधर एक 500-400 आदमी पूछा, इधर एक 400 आदमी पूछा, क्यों नहीं 50,000 रुपया, 25 रुपए, 10 रुपए, ये पैसा लेके क्या करेगा? 2,500 से 5,000 रुपए लेके क्या करेंगे तुम्हें मेंबरशिप का पैसा लेके? और मेंबरशिप, एक मेंबरशिप का एक कमिटी में रखेंगे, किसी के पास कितने 100 आदमी के पास बैला है, सीएमए का बैला कितने के पास है? अभी इलेक्शन ऑफिसर डाला गया, कमिटी बिठाया, कोई चीज सरकार में बैंड नहीं है। तो आलम पाशा की आवाज उठी तो आलम पाशा नक्सलेट बन रहा है क्या आप लोगों को? तो आलम पाशा पहले जल्दी मरना चाह रहा है, आप लोगों को देखना नहीं चाह रहा है, अल्लाह को अच्छी सूरत बताना चाह रहा है, जैसी दूसरों की सूरत काली पीली गंदी हो रही है उससे पहले ये सूरत लेके जनाजे में जाना चाह रहा है आलम पाशा। आप लोगों से क्या डराएंगे मुझे? तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अभी हर आदमी कम से कम जितने मेंबर्स हैं ये मेंबर्स पूरा अभी वोटिंग कार्ड लो और नॉमिनेशन फाइल करो, इन्हें 2-3-4 दिन है, नॉमिनेशन का पेपर लो। ये पता है मुझे नॉमिनेशन का जो पेपर, हर चीज का सनद मांगा जाता आलम पाशा से, क्या बोला गया सनद कैसा देगा बोलिए? क्या सर काटेगा? सर काट के आपके थाले में रखे देगा क्या? हम जरूर कर देगा, अंग काटेगा, हमारा होंठ काट लेगा, हमारी जबान काट के दे देगा, आपके पेस्ट करेगा, बोलो क्या काटना है? तो इतना गुनाह करते हैं, किसी का आप अपना मेंबरशिप का कार्ड लिया, कि कितने आदमी को कमिटी में रखा, कितने आदमियों को पेपरों से इनवाइट किया, क्यों नहीं करना चाहिए क्या? मैं कभी भी बोलता हूं, अरे भाई आलम पाशा इतना बोलता नहीं, आलम पाशा के पास जितना है पूरी चीज आप डालने के लिए बोलो डालेगा, और जो कमिटी मेंबर है वो मेंबर कितना डाला है? क्या पैसा नहीं, 500,000 नहीं, 1,500 करोड़ डाला है क्या? क्योंकि आपकी जायदाद भी होती है, इतनी जायदाद है डालो ना, 500,000 करोड़ रुपए डालो। क्यों जो कमिटी को देखा जा रहा है, अभी जियाउल्लाह शरीफ साहब देखे, हुसैन साहब देखे, फलान साहब देखे, डॉक्टर मथिन ताहा देखा, फलान देखा, तो तुम्हारी तकरीबन 50 करोड़ का पैसा जो डालना चाहिए, क्योंकि जिसका तुम 200-500 करोड़ का देख रहा है वो दूसरों का पैसा है, मरहूमों का पैसा है, पुरानों का पैसा है, गरीबों का पैसा, गरीब गरीब ही रहा, गरीब तड़पता ही रहा। आप लोग गलियों में स्कॉलरशिप बांटता है, कौन सा बांटता है पहले इसका हिसाब करो, क्या बांटता है, किसके सामने आप इज्जत फला ऐलान कर रहा है, किसका माल रख के कर रहा है? तो ये सिर्फ है 1,100-1,500 जीते हैं, शर्म की बात नहीं है। मैं बोलता है कौन भी क्या आलम पाशा मुसलमान से शर्म करता है, वो खुद मुसलमान नहीं बोलता है। अब ये तमाम चीजों से कौन सी कौम में ऐसा है जिसकी कौम 1.5 करोड़ आदमी है, जहां पे 500,000 आदमी है, जिसकी पूंजी प्रॉपर्टी एक एक एसोसिएशन में सीएमए के 200-800 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1,000-2,000 करोड़ की भी, 800 नहीं अभी ज्यादा भी है, तो वहां पे 300 आदमी वोट डालेगा क्या? नक्सल ऐसा करेगा क्या? नहीं, और दूसरा कौन भी ऐसा करेगा? टेररिस्ट ऐसा करेगा, और आप क्या दूसरा कौन सा किलर ऐसा करेगा? कोई नहीं करेगा। तब ये खौम का बंदा बोलने से आलम पाशा को शर्म नहीं आती क्या? तो खौम अलग है, एक खौम में जो किया है उसको भी उसका उदाहरण है, तो
तो खाउन मेरी उम्मा है, खाउन मेरा इस्लाम है, नबी मेरे नबी है, सीरत नबी है, ये चीज में क्या है, मैं किसको मानू दूसरों को। आज सीएमए का जो है हम ऐलान कर देंगे तो गुनेगार बनेगा, ऐलान में बोला जाएगा मैं यही शरीफ यही फला और जियाउल्लाह शरीफ रहो या ना प्रेस्टीज रहिए, दूर से भी चलाएंगे। ये गुने का काम नहीं है क्या? कभी गरीबों के बच्चों के एकदम मासूमों के 20-25-30 साल से के अंदर वालों को कमिटी दिया क्या तुम्हें? कमिटी क्यों नहीं दे? तुम्हें कौन होता है देने? ये पूछा तो मैं कौम का दुश्मन है क्या? मिलिया आपने रखेगा, सीएमए आपने रखेगा, ऑर्फनेज आपने रखेगा, कुछ भी आपने रखेगा, जो रखा है 40 साल से वो नहीं रखेगा। मेरे को सुप्रीम कोर्ट से सजा दिया जाएगा, क्योंकि जो आदमी आज कमेटी में बैठा है वही फिर कमेटी बैठेगा, वो बोलेगा क्या अब रिजल्ट रख लिया है क्या, अब इनको ही बना, यही होने वाला है। अब बोलेगा तो मैं ये गुनेगार हूं, मैं मेरे ऊपर गुने की सजा डालेंगे, ये सबको फिर इलेक्शन क्यों है? इलेक्शन में जितना कार्ड का इन्विटेशन डालना है कि भाई आप आ जाइए, हम नए मेंबर बनाएंगे, वोटर्स बनाएंगे, और इसमें बिना कंडीशनल उनको मेंबर्स बनाना है, क्यों नहीं बनाते? अरे बोलो ना, आपके माँ बहन को आप जन्म दिए, दूसरे नहीं मुसलमान को पैदा नहीं हुआ, दूसरा सुन्नत नहीं किया, दूसरा मसाजिद रोजा नहीं रहा, आप ही हैं क्या मुसलमान? कैसे आप हक खाते हैं? जो बड़ा आदमी बन गया, उम्र वाला बन गया, जैव बन गया, तो तिजारत में भी बड़ा, ये चीज क्यों चाहिए? और ये आप लोगों को मालूम है इसमें कितना गुनाह है? आप लोग ये समझता है हमें ये अच्छा काम करता है, मैं कसम खा के बोलता हूँ कि भाई जो ये आप पैसा वाला अच्छा काम नहीं करेगा, गरीब की भूख नहीं जानेगा, गरीब की तकलीफ नहीं जानेगा, गरीब के साथ जुड़ेगा नहीं, कोई आदमी आपका आपको कौन आपके सर को पॉलिश करेगा, मेहंदी लगाएगा, उसको ही लाएगा, तुम अच्छे आदमी को क्यों लाएगा? हाथ में पॉलिश का डिब्बा जिसके पास रहता है उसको ही तुम बनाए, उसको ही इलेक्शन में लाए, तो कितना आदमी डिब्बा रख के फिरेगा हाथ में, तुम्हारा कोट और जूते का सॉक्स कितना आदमी पहनाएगा? तो हर आदमी को इनवाइट करना है, मेरी मांग है। आज कितना आदमी है, हर आदमी अपना कॉपी ले लो, अपना शेयर पिटीशन लेंगे तो नहीं देंगे, इलेक्शन 4 अगस्त को डिक्लेयर हो जाएगा, कौन कमिटी है, कहां होता है 6-7 दिन में, करके बताइए आप। इतना जुलुम हो रहा है, इसके ऊपर आवाज उठाए हैं तो बोलते हैं कि भाई आलिम को ये बोला, उलेमा को ये बोला, मंत्री को ये बोला। हम कभी मंत्री नहीं बना, हम बनेगा भी नहीं, हम ना ख्वाहिश भी नहीं है, हमें उलेमा को गलत कभी नहीं बोलेगा कि भाई आप अपनी जानी मांस उठा के देखिए कितना आपका आंसू के खतरे में भिक्के रहता है, कौन इसको साफ करते हैं पता है आपको? आपके आंसू में जानी मांस भिगाते हैं इलेक्शन एमएलए का डालने के लिए, एमएलए चुनाने के लिए आप जानी मांस भरते हैं, कहां है सीएमए का इलेक्शन को, कहां है ऐसे वक्फ बोर्ड का हो जावे, फला हो जावे, कितनी कैसा हो जाता है, एक आदमी कर देंगे, एक आदमी साइन कर देगा। अभी आज का अपना वक्फ बोर्ड का इलेक्शन है, वक्फ बोर्ड में मुतवली लोगों को कौन बोलना है? आलम पाशा को तुम हर गली में ये जलील कराना चाहते हैं क्या? हर उलेमा यानी हर चीज को हर मुतवली का वोट चाहिए, किसको चाहिए, कहां डाल, ये किसकी ड्यूटी है? आपना जानी मांस आपने मसाजिद आलम पाशा साफ करते करते हाथ का घसे गया है, क्या पता नहीं है क्या आपको? फिर जनाजे कब्रिस्तान को क्यों जाके आप नमाज की सरपरस्ती लेते हैं, जनाजे की नमाज को? उसका ही इलेक्शन होता है आगे, इसके बाद आज सीएमए का इलेक्शन है, 300 आदमी का वोट होता है, 30 आदमी की कमेटी है। अब 27 तारीख को खत्म है, 4 तारीख को कमेटी बैठती है, ना एक अखबार में है, क्यों डेक्कन हराल नहीं, और टीवी नहीं है, जी टीवी टाइम्स टीवी नहीं है, कितना होगा, 2 करोड़ रुपए होगा, 2 करोड़ रुपए पैसा नहीं है टाइम्स, 2 करोड़ 10 करोड़ खर्च करिए और कमाने का 500 करोड़ रुपए कमाइए, 500 रुपए किराया लीजिए, हर चीज को यानी कब्रिस्तान से मिला के हाथ जो कमेटी बनाए है, जो मुर्दों को उसूल देना है पर अपने हाथों से दें, ऐसी कमेटी के मेंबर्स बनना है, साफ करें लोगों को वहां पे, हर चीज का इंतजाम करें, तमाम करें, ऐसी कमेटी चाहिए जो कमेटी सूट बूट पहन के
अपना फलां कमेटी क्या खबरस्तान में क्या काम करेगी। अरे भाई एक चीज आज थी, प्रॉपर्टी रियलिटी रियल एस्टेट करना सीएमए का काम नहीं है। गरीब को पैसा दे, भूख का खाना देना, पैसा लेना हराम 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 है। जो आदमी पैसा लिया बच्चों के पास उसमें दोदकी है, उन्हें जिंदगी में सांप और पूरा नाक काट के मरेगा। बच्चों को फ्री खाना डालिए, फ्री पढ़ाई दीजिए, मुझे मेरे बुजुर्गों को फ्री इलाज दीजिए, तो हर चीज फ्री दीजिए। आप देने का नहीं है, कमिटी देगा। आप देने का नहीं, आज का 5 रुपए का जो किराया है पर वो 500 रुपए आएगा, उसका तमाम होगा, किसी का माल नहीं है। इसमें कोई एक कमेटी वाला बोला मैं ये किया वो किया, आपका पैसा करके बता दे। एसोसिएशन का पैसा आपका नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। हम ये बोलेगा कितना, अरे बोलते हैं परसों एक अपना कोई एक एसोसिएशन सोसाइटी खोला हॉस्टल, उसमें पैसे वाला पैसा बच्चा दे पैसा देने दो, किसके पास है क्या मकसद। अरे भाई क्या ये तमाम चीज क्या होता है, हमारे बुजुर्गों को मालूम होता है। तो ये पैसा तुम खदम जो रखता है जूता पहन के, वहां पे ये खदम की जगह आपका खदम रखने नहीं देता था कौन भी, कोई मेरा पूर्वी का आदमी मरहूम आदमी कौन भी नहीं छोड़ता। तो आपका जूता अगर खुदलेगा तो इसलिए इलेक्शन में पूरा वोट है, अपना नॉमिनेशन फेल करें पूरे करें। हर फाइट वक्फबोर्ड की फाइट है, आने वाली इलेक्शनों की फाइट है, और यानी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की फाइट आने वाली है, और ये सीएमए की फाइट है। जंगे बदर का याद करें, हर मुतवल्ली को इशारा हो जंगे बदर है, हरे हमें मां जंगे बदर में जो इशारा मिला, यानी हमें दोदक को डरना हो तो पहले शहीद हो जावे जंगे बदर में। दोदक का डर अल्लाह आपके सीने में डाला है तो शहीद हो जाइए। ऐसा इसमें भी हर सीएमए में हो, हर आदमी नॉमिनेशन पेपर फाइल करें। और ये आप पूछेंगे तो कुछ नहीं चलता है, कुछ भी होने का नहीं है। 5 करोड़ से 25 करोड़ रुपए लायरों को खर्च करेंगे, यही 25 करोड़ रुपए गरीब के बच्चे को पेट भर के एक बार दाल और अपना व्हाइट राइस खाना खुशका ना अंडा नहीं डालेंगे। 25 करोड़ रुपए हर जगह कोर्टों में खर्च कर रहे हैं, हर मेट्रो में कोर्टों में, हर कोर्ट का लिटिगेशन गलत है, हर चीज गलत, पैसों के और इसके ऊपर अपना उसूल के ऊपर जाके कोर्ट में पैसा डाल रहा है। तो ये तमाम चीजों को नेक आदमी आना है, जवान आदमी आना है, हर आदमी तुरंत नॉमिनेशन पेपर 25-26 के अंदर फाइल करना है। ये मैं जानता हूं जालिम क्या कर रहे हैं, ये मैं जानता हूं आपके ऊपर जुल्म क्या हो रहा है। आपको मैं दोबारा बोलता हूं जंगे बदर की बात याद रखिए, खाली 150 आदमी खड़े, यानी 30 आदमी उधर है, यूनो 40 आदमी को रख लें, इधर आपका पूरा रिजेक्ट कर दे। कौन करते हैं, ये हराम है हलाल है, इसका नाम ही नहीं है। दोदक में ऐसी आग नहीं है जो हो रहा है सीएमए के इलेक्शन में, ऐसी आग नहीं है आज हिंद दुनिया में देखा जा रहा है, ऐसी आग नहीं है। दोदक खतरनाक है, 1000 दर्जे खतरनाक है। ऐसी खतरनाक आग भी ये आग के सामने मुकाबला नहीं करेगी, ऐसी आग सिलगाया गया है। कहां पे, ऐसे इलेक्शन में, दूसरे इलेक्शनों की बात पे आएंगे। हमें ऐसे इलेक्शन है, किसी के पास कार्ड नहीं है, किसी का मेंबरशिप नहीं है, क्यों हकदार नहीं है। अरे बोलो ना, क्या हम कर्नाटक में मर जावे, हमें कर्नाटक का छोड़ दें, क्या इस्लाम को नफरत करें, क्या चाहते हैं आप मुसलमानों से। नहीं, आपके ही पुराने लोग दादा नाना परदादा डाले हैं क्या, कोई एक शिला बताइए ना। तो मेरा अपील है हर आदमी नॉमिनेशन डालिए, जंगे बदर के निशानी हमें वक्फ बोर्ड आने वाला इलेक्शन में भी सीएमए इलेक्शन में भी रखेंगे, जालिमों को खत्म करेंगे। हमारे बाद आज नहीं तो हमारे बाद भी जालिम खत्म हो गया तो हमें जब जाके रहते हैं ना तो अल्लाह उसका सिला हमना वहां देगा। ये नियत से हर आदमी आप डालो, हम देखेगा कितना आदमी फाइल किया है क्या है। और दोबारा रिपीट करता हूं मैं, बीडी वालों का वर्कर्स का तब कितना बड़ा सिला दिया मुसलमानों को तुम्हें, यही वोटर्स है क्या, यही पैसा वाला है क्या, बीड़ी वालों के बाप दादा ये जायदाद दिया क्या जो वोट करेगा।